नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रायबरेली में उद्यान मंत्री ने रेलवे DRM के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और उसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रेल मंत्री ने सदर रेलवे स्टेशन के साथ जिले के 4 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत ही जल्द ही अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा, जिसमें एक लेटर से लेकर ही लिफ्ट और स्वच्छता पेयजल जैसी जरूरतों की आवश्यकता चीजें यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। और साथ ही उन्होंने इसके लिए रेल मंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने रायबरेली जनपद वासियों को ये तोहफा दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने इस रायबरेली स्टेशन का द्वितीय द्वार जो रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर से शुरू होगा, वो निसंदेह एक ऐतिहासिक भवन होगा जो रायबरेली जनपद में सुदौली में भगवान शिव का मंदिर है, उस मंदिर के आकार का वो रेलवे स्टेशन का द्वार होगा जो हमारा उत्तरी दिशा में नया बनने जा रहा है। जनपद गोरखपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन शास्त्री चौक पर मौजूद शास्त्री प्रतिमा के स्थल पर किया गया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वैभव जायसवाल, महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो सरकार ने बिजली बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव दिया है उसमें 23% का, इससे पहले 27 तारीख को लखनऊ में चेतावनी धरना भी किया गया था और सरकार से भी कहा गया था कि इस प्रस्ताव को वापस ले, नहीं तो एक उग्र आंदोलन और विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और इन्होंने जो चुनाव में जनता को सस्ती बिजली और फ्री बिजली देने का वादा किया था, उस वादा के ना पूरा करने पर उसका विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और इसी क्रम में गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर जिले में पुलिस अधीक्षक आवास पर तैनात सिपाही ने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी विभाग को तब मिली जब रात शिफ्ट बदलने के लिए दूसरा सिपाही पुलिस अधीक्षक आवास पर पहुंचा था। उसने आला अधिकारियों को घटना की सूचना दी और जिसके आला अधिकारी के निर्देश पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मृतक सिपाही का नाम अभिषेक यादव जा रहा है। वे 2020 बैच से नागरिक पुलिस सेवा में कांस्टेबल नियुक्त हुआ था। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है। कल रात बलरामपुर पुलिस परिवार के लिए एक अत्यंत दुखद घटना घटित हुई है। एक अभिषेक यादव नाम का कांस्टेबल था जो कैंप कार्यालय पर जिसकी ड्यूटी लगी थी, उसका 12 से 3 बजे रात्रि में उसकी शिफ्ट थी। जब अगली शिफ्ट वाला जो सिपाही था उसको रिप्लेस करने के लिए आया तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि अभिषेक जो है गोली लगी अवस्था में वहाँ पे अपने ड्यूटी पॉइंट पे है। तत्काल वहाँ पे मौके पे जाया गया तो ये देखा गया कि अभिषेक जो था इसके पाँव के बीच में, जो ड्यूटी के दौरान जो SLR उपलब्ध करवाई गई थी वो पाँव के बीच में फंसी हुई है। और अब खबर आगरा से है जहां पर आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं इस गैंग ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी न देने पर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और साथ ही ये गैंग सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद काफी चर्चाओं में भी आया था। ये बदमाश राजस्थान पुलिस से बचने के लिए आगरा में छिपे थे और जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना जवाहर सर्कल जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल्स शेयर की गई, उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और SOG ये टीमें मौजूद रहीं।
इसके बाद में आरटीओ गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा मथुरा के मांड तहसील के अंतर्गत जावरा रोड पर मौजूद श्याम फार्म हाउस पर सोमवार को बीएसपी पार्टी ने सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इस दौरान ही बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि देश में बहुजन समाज पार्टी के एक ही पार्टी और एक ही नेता मायावती। और वहीं विश्वनाथ पाल ने यह भी कहा कि जब यूपी में पूर्ण बहुमत से 2007 में सरकार बनाई गई तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया और आज बसपा का हर कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। यूपी के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील इलाके के शेरपुर कला गांव में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे गौरक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कला का है, जहां बाग के पास में मौजूद एक तालाब में गोवंश पशुओं के अवशेष मिलने को लेकर गौरक्षकों में काफी रोष देखने को मिला है। अखिल भारतीय गौरक्षक के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन गंगावर ने कहा है, इसकी जानकारी दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि काफी संख्या में गोवंश पशुओं के अवशेष तालाब के किनारे पड़े हैं और इसी पर उन्होंने पुलिस को भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस बिना मिली भगत के चलते ही गो हत्या नहीं हो सकती और इतने ज़्यादा अवशेष मिलने का मतलब है कि पुलिस ही मिलकर गो हत्या करा रही है। और इस संबंध में उन्होंने पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ज्योति यादव को भी मामले की सूचना दी है और गोवंश पशुओं के अवशेष मिलने से गो रक्षकों में रोष दिखाई दे रहा है। मामला ये है, हमारे संगठन के ये हैं सलमान खान और ये अखिल भारतीय गौरक्षक परिषद में गौरक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमें सूचना दी कि उन्होंने पुलिस को कई बार इन्होंने सूचना दी है कि शेरपुर तालाब के पास ये जो कोटी वाला भाग कहते हैं यहाँ पर सैकड़ों गोवंश के, अभी हमने आकर देखा सैकड़ों गोवंश के यहाँ पर खाल और अवशेष मिले हैं। तो और इन्होंने कई बार कोतवाली पूरनपुर इंस्पेक्टर को कई बार अवगत कराया लेकिन उन्होंने इनको ही धमकाया और इनसे ये कहा कि हम आपको ही बंद कर देंगे। इन्हें धमका रहे हैं वो, अगर कोई सूचना देता है उनके लिए तो वो धमकाते हैं। और ऐसे में जहाज हमने जब इन्होंने हमें सूचना दी तो हम अपनी टीम के साथ आज यहाँ आए हुए हैं और हमें इसमें इतने सैकड़ों अवशेष मिले, यहाँ पर सैकड़ों खाल मिली। ये महीनों से पुलिस के साथ मिलकर ये ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस के बिना ऐसी घटनाएँ हो नहीं सकती। इटावा में एएनएम की छात्राओं के हॉस्टल में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने छात्राओं को चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। वहीं छात्राओं के विरोध के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद एएनएम की छात्राओं ने पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी संजय कुमार से मुलाकात की है। वहीं ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत सीएमओ कंपाउंड का मौजूद हॉस्टल का ये बताया जा रहा है। श्रावस्ती में ट्विटर पर शिकायत को लेकर श्रावस्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने 75 ग्राम नाजायज गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर ही एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड नंबर 66 की मौजूद स्थिति बंद से बदतर देखने को मिल रही है और सहारनपुर के वार्ड नंबर 66 जो कई सालों से स्मार्ट वार्ड के लिए चयनित हुआ है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करोड़ों के काम इस वार्ड में किए गए हैं, लेकिन वार्ड 66 के कुछ इलाके आज भी साफ सफाई और पानी की निकासी को तरस रहे हैं। वार्ड 66 और 67 की एकता कॉलोनी के लोग जलभराव की स्थिति से परेशान हैं और ये रास्ता कोलागढ़, काजीवाला, जीतवाला आदि गांव और दर्जनों कॉलोनियों को जोड़ता है। इस क्षेत्र में कई स्कूल जो है मदरसे भी हैं जिनमें आने जाने वाले छोटे बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही किसी पार्षद या नगर निगम प्रशासन द्वारा सुध ली जा रही है।
समस्या, पानी भर रहा है, सड़क बनाई थी, नाले बनाए नहीं। ये दुनिया भर के बच्चे स्कूल में आ रहे जा रहे, गिर रहे, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे, किसी कोई सुध नहीं ले रहा। सजाद मलिक तो आता नहीं, हजी गुलशेर आए थे, उन्होंने ये काम कराए थे। अब नाली किसी ने बनाई नहीं, सड़क बना दी, अब यहाँ पानी भर रहा है, गोड्डो गोड्डो पानी हो रहा, देख लीजिए आप आगे, तो पानी भर रहा है यहाँ से। सड़क बनने ना बननी सब बेकार हो गई है, हर आदमी यहाँ जो है परेशान है, बच्चे भी गिर रहे और तभी गिर रही है यहाँ, बहुत हर आदमी परेशान है। पानी की निकासी नहीं है, सड़क बना के रख दी, इस सड़क से कोई फायदा नहीं हुआ, नाली की निकासी है नहीं, सर पानी भर रहा है यहाँ। इसके लिए आपने किसी से कुछ कहा हो, पार्षद को कहा हो या नगर निगम में गए हो? पार्षद को बोरा लंबी आया था और जिसके आगे शेर भी आया था, उनका भी शिकायत रखी गई, दो दिन का टाइम दिया था उन्होंने। कितने दिन हो गए? चार दिन हो गए आज। आगरा में महिलाओं ने जिला अस्पताल में चप्पलों से युवक को पीटा है। दरअसल ये युवक ऑपरेशन के नाम पर रुपए में ही डिमांड कर रहा था और रुपए न मिलने पर परिवार को धमकी भी दे रहा था, जिसके बाद महिलाओं का युवक पर आक्रोश देखने को मिला है और युवक की चप्पलों से पिटाई भी की गई है। कोतवाली देवबंद के गांव साफला में कल शाम से गायब मदरसा छात्र का शव सरसों के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस के आधा अधिकारी मौके पर पहुंचे और कल शाम से गायब मदरसा छात्र का शव मिलने के संबंध में सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन टांडा ने बताया है कि और कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देवबंद में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली, एक गांव में एक बच्चे का शव मिला जिसमें कि गला काट के हत्या की गई है उसकी। इस पर तमाम पुलिस बल यहां पहुंचा है, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी यहां पहुंचे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी करने पर पता चला कि बच्चा शाम को मदरसे से निकला था घर जाने के लिए, उसके बाद वो घर पहुँचा नहीं है। परिजन कल से इसकी तलाश कर रहे थे, पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। आज सुबह जब शव मिला है गाँव में तब पुलिस को सूचना मिली है। फिलहाल जो CCTV कैमरा है गांव में, जो बच्चे के साथ जो कल इसके मित्र थे उनसे पूछताछ की जा रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तमाम लोग यहां पर हैं जिनसे पूछताछ कर घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज कर छुटमलपुर में STF मेरठ और फतेहपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो स्मैक तस्करों को 750 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि स्मैक की सप्लाई करने वाला तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। बरामद स्मैक की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं CO सदर नीरज सिंह ने बताया है कि फतेहपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद रावल और SI करण नागर, STF मेरठ और के इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल सहित तमाम पुलिस ने घेराबंदी कर दो तस्करों को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने उक्त तीनों तस्करों के खिलाफ NDPCS एक्ट के रिपोर्ट दर्ज कर पकड़े गए तस्करों को कोर्ट में भी पेश किया है। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल 24 घंटे पहले दिन दहाड़े अधेड़ की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई थी और जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों पर 302 समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जिला महिला अस्पताल गोरखपुर में महिला डॉक्टरों की दबंगई लगातार देखने को मिल रही है। यहां आने वाले मरीजों के परिजन से डॉक्टर और उनके कर्मचारियों द्वारा मिलकर धन उगाही की जाती है और कुछ मरीजों के परिजनों ने बताया है कि पहले हमारे मरीज को रेफर करने के नाम पर डराया जाता है, नहीं देने पर पैसे इलाज मना कर दिया जाता है, लेकिन जब पैसे देने को परिजन राजी हो जाते हैं तो जिला महिला अस्पताल में इलाज शुरू किया जाता है। फिर प्रसव के बाद डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक पैसा लेते हैं। वहीं परिजनों ने कहा कि ये सरकारी अस्पताल है, इसलिए हम गरीब लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। हम CM साहब से कहना चाहते हैं कि इस धन उगाही की जांच करवाकर मामले की कार्रवाई कराई जाए ताकि ऐसे डॉक्टरों पर लगाम लग सके। यहाँ पे मैं अपने भाभी को भर्ती कराने आई थी, जो इस समय बहुत पीड़ित हैं और उनके मतलब वो डिलीवरी में हैं
और ये है कि यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। पहले नंबर ये है कि मतलब यहाँ पे बात करने जाओ तो अभी डॉक्टर से बात नहीं कर पाते, आप मिल नहीं सकती हैं, यही सब बहुत समस्याएं हैं। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई तो बोली कि आप उनको खून की कमी है तो जाइए खून का व्यवस्था करिए। मैं खून की व्यवस्था करने गई, 2.5 घंटे से लेकर मैं खून को यहाँ इधर उधर घूम रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनसे मेरी बात हुई, बोल रहे हैं कि मैं अपने शिफ्ट से ख़त्म हो गया, मैं नहीं जा सकती, अब दूसरी वो अपने शिफ्ट पर आएंगी। तो इनसे बात हुई तो ये जाने नहीं दे रहे अंदर, अभी डॉक्टर शिफ्ट पर नहीं निकली हैं और अभी राउंड पर निकलेंगी तभी सुनवाई हो सकता है। कि भाभी है तो बिना 5,000 रुपये लिए मेरे मतलब मेरी देवरानी का वो डिलीवरी नहीं किए हैं, हम खुद अकेले करवा के कर हम करिए, अगर पैसा लेंगे तो हमें सीएम से जाके वो करेंगे दरखास्त देंगे। बताइए क्या बोली है वो लोग पैसे के लिए? पैसे के लिए बोलिए कि अगर पैसा नहीं देंगे तो हम टाका नहीं चलाएंगे, मरीज को रेफर कर देंगे या बाहर कर देंगे। हुई है किस डेट में? 23 तारीख को सुबह सोमवार को हुई है। पैसा दे दिया? हाँ पैसा पूरा दे दिया, 6,000 रुपये ऑपरेशन में दिए हैं, उसका टोटल जब से यहाँ मतलब एक हफ्ता हो गया 12-13 हज़ार रुपये लग गया है। मैं सर अपने वाइफ को भर्ती करने आया, डिलीवरी था सर, बच्चा बेड़ा हो गया था तो मैं भर्ती करने आया सर यहाँ जो है। तो मैं बहुत गरीब आदमी ऑटो चालक हूँ सर, और मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि क्या आपको बताऊँ सर, किसी तरह अपनी जो है मैं अपना जो है व्यवस्था करता हूँ और अपने जीवन खाना और पीना करता हूँ साहब। लेकिन ये लोगों ने मिलकर हमसे 1500 रुपया लोगों ने, सभी लोगों ने, पूरे स्टाफ के लोगों ने मिलकर, और मैम क्या बोल रही हैं कि 500 रुपया तुम दे रहे हो, बताओ 500 रुपये में क्या होगा, हम लोग 5 स्टाफ हैं, बताइए। डिलीवरी हो गया? हाँ डिलीवरी हो गया। कब डिलीवरी हुआ है? अभी 2 घंटे पहले हुआ। 2 घंटे पहले हुआ है, अभी कितना बज रहा होगा? अभी सर 9 के आसपास हो रहा होगा सर। सनी देओल की मशहूर फिल्म जीत का फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, जिसमें सनी देओल अपनी प्रेमिका करिश्मा कपूर के पिता से कहता है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा। कुछ ऐसा ही मामला हापुड़ के थाना सिभावली क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी को लेकर पोस्टर लिखा और दूल्हे के घर के बाहर चिपका दिया और ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें आपको कि इस सिरफिरे युवक से दूल्हे का परिवार परेशान है और युवक ने दूल्हे के घर के बाहर पोस्टर चिपकाया है जो कि वायरल हो गया है। और वहीं पुलिस का कहना है कि शादी से पहले ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और अगर ज़रूरत हुई तो शादी में फोर्स भी लगाई जाएगी। अब खबर मथुरा से है, जहां पर आपको बता दें कि थाना हाईवे पुलिस ने शातिर चोर 9 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। मथुरा एसपी सिटी ने बताया है कि काफ़ी समय से एक चोर जो कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनियों में जाकर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी करता था और मथुरा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है और 9 मोटरसाइकिल बरामद भी किया है। थाना हाईवे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक शातिर चोर रामू उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं, जिसमें 5 हाईवे से, 1 सदर बाज़ार से और 1 रिफाइनरी से कनेक्ट हुई हैं। तो बता दें आपको मथुरा थाना हाईवे पुलिस के शातिर चोर 9 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है और वहीं मथुरा एसपी सिटी ने बताया है कि काफ़ी समय से एक चोर जो कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनियों में जाकर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी किया करता था और मथुरा पुलिस ने एक चोर को फिलहाल गिरफ्तार किया है, 9 मोटरसाइकिल भी उसके पास से बरामद की गई है। तो आपको बता दें मथुरा से खबर है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा था, लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और जिसके बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बाकी के चोर फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है और बाकियों की भी तलाश लगातार जारी है। खबर बस्ती से है, बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी एटीएम कटर गैंग के अंतर्गत जीएस रगना को अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के पास से 2 लाख नगद और एक कार बरामद हुई है और दरअसल आपको बता दें कि बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के संसारीपुरी चौराहे पर मुखबिर की सूचना पर हरैया कप्तानगंज थाना की पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी की और 25,000 के इनामी एटीएम
कट्टर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया गैंग का सरगना खालिद हरियाणा के पलवल का रहने वाला है और वहीं अब गैंग के सरगना खालिद को भी पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। खालिद के ऊपर एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज है। तो बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताते चले आपको कि लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है। जानकारी है कि बताया जा रहा है कि 25,000 के इनामी एटीएम कटर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया गया है और पकड़ा गया गैंग का सरगना खालिद हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। वहीं अब गैंग के सरगना खालिद को भी पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। खालिद के ऊपर एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में दर्ज बताए जा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बजट सत्र के दौरान ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों में दिए गए भाषण को लेकर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इसका बहिष्कार किया है। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं आपको। जब भारत की प्रथम आदिवासी और सुयोग्य राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के बजट सत्र को शुरू करने के लिए अपना अभिभाषण पढ़ा, ये देश के लिए बहुत गौरव का क्षण था और ये बहुत पीड़ा की बात है कि भारतीय संसदीय मर्यादा के सम्मान के लिए इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस अभिभाषण को का बहिष्कार किया। यह बहुत ही पीड़ादायक है। इसका मतलब क्या है? क्या देश की राजनीति में विरोध के लिए हम सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर देंगे? इट इज इंडीड वेरी रिग्रेटेबल, अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल that on a very historic day, when the first ever distinguished tribal president of India, Draupadi Murmu ji, was giving his maiden address while inaugurating the budget session, some people took it to the greatest low of our parliamentary democracy, namely Aam Aadmi Party and TRS, who chose to boycott. मैं ऐसे लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होती है, उसका एक स्तर होता है। शायद आज का दिन तो एक प्रकार से अभिनंदन का दिन था ना, कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, आप उसी सम्मान के लिए आ जाते। और वैसे भी जितना आज उनका अभिभाषण हुआ, ये ठीक है, अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी रहती हैं, तो उन उपलब्धियों पर चर्चा करने का आपको अवसर मिलेगा ना। जब धन्यवाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन की बहस होगी, आप वहां बोल देते, आपको जितना सवाल खड़ा करना था आप खड़ा कर लेते, सरकार की ओर से उसका प्रभावी जवाब भी दिया जाता। आपने बहिष्कार किया क्यों? क्यों किया आपने? यह आपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है। यह बहुत ही पीड़ादायक है, ये मैं कहना चाहता हूं। और कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें सरकार की उपलब्धियों की क्यों चर्चा होती है, तो जो लोग विपक्ष के नेताओं की सरकार है, पार्टियों की सरकार है, जो थोड़ी बहुत है, वहां क्या होता है? जब सदन शुरू होता है बजट सत्र, तो वहां अभिभाषण में क्या पढ़ा जाता है बताया जाए? तो लोग कह क्या रहे हैं?
और कोई गलत बात कही गई है क्या? सारी बातें कंक्रीट रूप से कही गई, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के सद्भाव और भारत में समावेशी विकास, कि जहां प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है तो भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे बढ़ रहा है, चिप भी बना रहा है, सैटेलाइट भी छोड़ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। आज 220 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए और आज भारत के आर्थिक विकास को IMF की रिपोर्ट भी कंफर्म कर रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से रखा हुआ है। फिर भी आपको सब पर बोलने का अधिकार था, जो बहिष्कार किया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं पार्टी की ओर से। और पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि ये लोग लोकतंत्र का खासकर स्वांग करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तिरस्कार करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए पार्टी की ओर से औपचारिक टिप्पणी करना आवश्यक था और इन दोनों पार्टियों ने जो आचरण किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम अपील करेंगे सारी पार्टियों से कि हमारे आपके विरोध होंगे, लेकिन हम कुछ तो स्तर रखेंगे कि नहीं। ऐसा है, जरा सा वो एक बार पूरा पढ़ लें, अब उसकी कॉपी अवेलेबल है, आज का इकोनॉमिक सर्वे भी देख लें। अब कांग्रेस की इस टिप्पणी पर मैं क्या कहूँ, आज तो इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयमेंट रेट की चर्चा भी की गई है, बढ़ रहा है। इनमें एक चीज़ बताइए, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूँगा, सड़कें बन रही हैं तो अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? स्टार्टअप 90,000 हुए हैं तो उनसे नौकरी मिल रही है कि नहीं? भारत दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है तो लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो डेटा आया है उसमें एम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये तो सीधी सी बात, बढ़ रहा है, हम अवसर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई लोगों को देखना चाहिए, इन कुछ लोग अगर जानबूझकर सच्चाई से आंख मूंदते हैं तो उसका हम क्या कर सकते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।